मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ता बनाए वही इंसान है। ऐसे ही एक इंसान की ये छोटी सी कहानी है। बात है 2008 की, जब अशोक नाम का एक लड़का काम की तलाश में नागपुर शहर आया। पैसे की ज़रूरत पूरी करने के लिए वह ड्राइवर का काम करता था, मगर एक दिन ट्रेन सफर के दौरान अशोक अपना पैर गंवा गया। अशोक के पैर की हालत को देखते हुए डॉक्टर ने एक पैर काटने की सलाह दी। जिन पैरों से ज़िंदगी की ऊंचाइयों को जीतने की चाह थी, उन पैरों के जाने से बिस्तर पर पड़ी वो टूटी हिम्मत और बेबस शरीर अपने आत्मविश्वास के साथ 25 किलो वजन भी गंवा चुका था। सेकेंड स्टेज अस्थमा, पैरों की तंगी, अशोक को माँ बाप पर बोझ होने का एहसास दिलाया। इन हालातों ने अशोक से जीने की चाह ही छीन ली और उसने पल पल मरने से अच्छा एक बार मौत को गले लगाने की तैयारी करी। अशोक ने ठान लिया कि वो रविवार के रवि की किरणों को नहीं देखेगा। शायद ये ठान लेना ही काफी ना था, अशोक अंदर ही अंदर वक्त की चादर को पीछे खींचना चाह रहा था। शायद आत्मा को कायर होना मंजूर ना था, तभी अंदर से वो गूंज आई कि जैसे ग्रहण लगने से सूरज की चमक नहीं खोती, वैसे ही जिंदगी में आए अभाव जिंदगी के मकसद को और भी ऊंचा बना देते। हॉस्पिटल के बेड पर पड़े अशोक ने एवरेस्ट फतेह की खबर सुनी थी और अशोक ने इसी को अपना मकाम बना लिया। अशोक ने इसी जज्बे और आत्मविश्वास से मीरा पर्वत पर ऑक्सीजन पंप के बिना फतेह की और पर्वत पर अपने देश का ध्वज फहराया। यह तो सफर की शुरुआत थी। अशोक की मीरा पर्वत फतेह से उन्हें एवरेस्ट पर चढ़ने का दोगुना आत्मविश्वास मिला और यह संकल्प वास्तविकता में कब बदलता चला गया कि अशोक ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 12 बार विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत पर फतेह की। जहां आत्मविश्वास अभावों की गहराइयों में लगा था, आज वही अशोक 5 किलोमीटर एक बार में तैर जाते हैं। जहां एक पैर से के जाने से अशोक का आत्मविश्वास टूट चुका था, वही अशोक 22 किलोमीटर की मैराथन युवाओं से भी ज़्यादा जोश से दौड़ते हैं। आज उसी अशोक को न जाने कितने पुरस्कारों से नवाजा गया है। अशोक बचपन में पड़ोसी के दरवाजे की दराज से टीवी देखा करते थे और आज उसी अशोक की जिंदगी की कहानी बड़े पर्दे पर आने को है। बस ये जान लीजिएगा आप सब कि क्या हुआ जो वक्त निकल गया, क्या हुआ जो रोशनी का तिनका हाथ से फिसल गया। तू खुद तो सूरज है, बस चमकना बाकी है, जिंदगी में कामयाबी से लिपटना बाकी है। अशोक की कहानी से जगा ले अपने अंदर के इंसान को, अब तो खुशी के आंसुओं से सिसकना। जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे उठा करते हैं। एक ही लाइन सुन के मैं बेड से उठा और आज तक नहीं उठा।